करीब 4 साल के लंबे समय के बाद काली मिर्च की कीमतें एक बार फिर 500 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई है। जानकारों का कहना है कि इस साल के त्योहारी सीजन और कोरोना प्रतिबंधों में मिली ढील की वजह से काली मिर्च की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से कीमतों को भी रफ्तार हासिल करने में मदद मिली है। जानकारों का कहना है कि इस साल के त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही काली मिर्च के दाम में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई थी। बीते एक सप्ताह में काली मिर्च की कीमत में करीब करीब 5% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है और ये 511 रुपए प्रति किलो के भाव पर आ गई है। व्यापारियों और निर्यातकों को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में फसल के मौसम तक कीमतें ऊंची ही बनी रहेंगी। बताते चलें कि काली मिर्च की तुड़ाई का मौसम दिसंबर में शुरू हो जाता है, जो मार्च तक चलता है। माना जा रहा है कि अगले साल खराब मौसम की वजह से फसल की उपज पर पड़ने वाले असर की खबरों की वजह से भी काली मिर्च के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एक मसाला कंपनी ने बताया है कि कैटरर्स, होटल्स और शादी पार्टी की ओर से काली मिर्च की मांग में काफ़ी तेजी आई है। कंपनी वालों का कहना है कि खास तौर पर हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में इसकी डिमांड काफ़ी बड़ी है। वहीं अन्य काली मिर्च उत्पादक देशों से अलग भारत में उगाई जाने वाली काली मिर्च की कीमतें काफ़ी हद तक घरेलू मांग से ही निर्धारित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काली मिर्च की कीमतें जून से ही बढ़ रही हैं, क्योंकि इसके सबसे बड़े उत्पादक वियतनाम में इसका उत्पादन गिर गया है और चीन ने इसकी खरीद में इजाफा कर दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में काली मिर्च की कीमतें 4,300 से $4,500 प्रति टन हो गई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन दोगुनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की कोई टक्कर नहीं है। बता दें कि जहां मलेशियाई काली मिर्च $5,200 प्रति टन के भाव पर बिक रही है, तो वहीं भारतीय काली मिर्च की कीमत $6,780 प्रति टन है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।